हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के लिए एक मास्क लाए हैं, फेस मास्क। उसके लिए हमने ये छोटा सा शॉपिंग बैग लिया है, बचा हुआ ये थोड़ा सा कपड़ा लिया है। इसके अलावा इन दो चीज़ के अलावा ये लास्टिक लिए। लास्टिक हमारी 12 इंच की लगभग है। ये देखिए, हम आपको नाप के दिखाते हैं। ये लास्टिक हम ये देखिए 12 इंच की लगभग है। इन तीन चीज़ों से हम आज मास्क बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करना है तिकोना करके, यूँ ये एक बार और तिकोना करके। इस तरह से करने पे हमारा ये काफ़ी फोल्ड्स हो चुके हैं इसमें। इसके बाद इंची टेप की मदद से हम 5 इंच पे इधर बीच में से 5 इंच पर यूँ एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क लगा लिया। अब इसे हल्का सा गोलाई देख के मार्क लगा लेंगे। इसे अब हम कट कर देंगे जहाँ हमने मार्क लगाया थोड़ा गोलाई देख के। तो जब हम इसे कट करेंगे तो आप जब इसे खोलेंगे तो देखेंगे एक परफेक्ट 10 इंच का एक सर्कल बन गया है। ये देखिए 10 इंच का परफेक्ट है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर। इसे डबल फोल्ड इस तरह से करना है, फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये दिख रहा है वैसे ही मार्क लगा लेना है। मार्क लगा के जो ये एक्स्ट्रा पीस है इसे कट कर देना है। इस तरह से जो हमारा गोला है उसके ये कोने हट जाएंगे। तो ये ऐसा लिप्स के शेप कुछ कुछ आ गया है। अब सेम यही शेप हम देंगे अपने जो ये शॉपिंग बैग है छोटा वाला, इस पर भी। तो इसको इस तरह से खोल लेते हैं हम। थोड़ा सा खोल के हम इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे। कैसे रखेंगे ये डिपेंड करता है कि हमें बस साइज़ ये कंप्लीट चाहिए। तो हम उसको इस तरह से रख के सेम ऐसा काट लेंगे। ये अंदर की तरफ हम लगाएंगे एज अ फिल्टर। तो 3 लेयर्ड हमारा ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया 3 लेयर्ड। अब हमने बीच में से भी कट कर दिया तो ये ऐसा शेप आ गया। अब हम दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई यहाँ से लेकर लाइन से लेकर लाइन तक ही करेंगे, लाइन वाला ऐसा नहीं सिलेंगे। ये देखिए, हमने सिल लिया है। अलग कलर से सिला है जिससे आराम से दिखे। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे, टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे। इस तरह से करेंगे कि दोनों रेड पीसेस हमारे बाहर की तरफ और ये जो हमारा शॉपिंग बैग था वो अंदर चला जाएगा। ये हमारा इस तरह से बन के अच्छे से रेडी करना है। दोनों कोने जो निकलेंगे उसमें हम बाद में लास्टिक लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा आ गया। आप चाहें तो इस पर एक बार छोटा सा प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा वैसे। तो ये इस तरह से हमारा रेडी है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम निशान बीच के पॉइंट पर लगा लेंगे। इसके बाद इस बीच के पॉइंट से 2-2 इंच दोनों तरफ थोड़े थोड़े दूर पर निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ आधा इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये निशान जो हम लगा रहे हैं इसी एरिया में हमें लगानी है प्लेट्स, यानी प्लेटें हमें जो देनी है वो इसी एरिया में देनी। तो हमने निशान लगा लिया है। इसमें छोटी छोटी प्लेट्स इसी एरिया में बस हमें देनी है। इसके बाद हम इसमें लास्टिक कैसे लगाएंगे वो आप देखिए। ये देखिए छोटी छोटी प्लेट्स, आप अपनी संख्या कोई भी हो सकती है, बस इसी एरिया में हम लगानी है। अब हम ये लास्टिक को डबल फोल्ड करके बीचों बीच से कट कर देंगे और ये जो कॉर्नर हमारे बाहर निकले थे इसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे जिससे कि ये जो रॉ एजेस है वो अच्छे से अंदर चले जाएं और ये फ्रेश लुक दे। तो इस तरह से अंदर चला गया। लास्टिक हम यहाँ लगाएंगे और इसी के नीचे वाले में, यहाँ पे दोनों तरफ हमें ऐसे ही बनाना है और लास्टिक लगाना है। तो लास्टिक का स्पेस भी निश्चित हो गया, प्लीट्स कहाँ देनी है वो भी निश्चित हो गया। तो बस सिलाई बची है, सिलाई मशीन पर चलते हैं हम। यहाँ सिलेंगे ऐसे और यहाँ प्लीट्स देंगे, यहाँ तक पूरा गोलाई में सिलते हुए जाएंगे। चलिए तो हम सिलते हैं। सबसे पहले लास्टिक साइड की ये लास्टिक सिल गई। अब हम आते हैं गोलाई देते हुए, छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए सिर्फ मार्क्ड एरिया के अंदर ही। ये परफेक्ट होगी और बच्चों की नाक भी इसमें नहीं दबेगी क्योंकि हम इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी प्लेट्स दे रहे हैं। ये परफेक्ट है। आप इसे 10 से 12 साल तक के बच्चों को आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इसका शेप और साइज़ उसी के हिसाब से है। या आप कह सकते हैं स्मॉल साइज़ बनाई है हमने इसमें। तो ऐसे ही चारों ओर से हम लास्टिक और प्लीट्स देते हुए से कंप्लीट करेंगे।
कंप्लीट करके कैसे दिखेगा आपको फाइनल लुक अभी हम दिखाते हैं। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए ये है इसका फाइनल लुक, अच्छा सा इसमें उभार आता है। और जहाँ तक बात रही इस वीडियो की, इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। देखिए अब हम आपको इसे लगा के दिखा, ये देखिए इसे इस तरह से आप बच्चों को आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही आरामदेह।